किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के कारण 3877 ट्रेनें हुई प्रभावित, 1550 ट्रेनें हुई रद्द। 20 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन के यात्री बोले, 17 घंटे तक नहीं हुई उद्घोषणा। शंभू बॉर्डर पर बनेगा पक्का मंच, हाईवे पर कराई खुदाई। पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे लाइन पर बैठे किसानों की वजह से रेलवे को आर्थिक नुकसान होने के साथ यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कई यात्री अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 घंटे से ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये यात्री एक तरफ किसानों को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ रेलवे को भी कोस रहे हैं और उन्हें ट्रेनें नहीं मिल रही। वहीं किसान आंदोलन को शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं, इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी इसका आकलन नहीं किया गया है, जबकि 17 अप्रैल से शुरू हुए किसान आंदोलन की वजह से अब तक 3877 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा कारणों और एकल मार्गों को देखते हुए रेलवे ने 1550 ट्रेनों को रद्द भी किया है। वहीं 1546 मेल और एक्सप्रेस और 479 मालगाड़ियों को दूसरे मार्गों पर चलाया जा रहा है। 202 ट्रेनों के को बीच रास्ते से रद्द करके पुनः संचालित किया जा रहा है। रेलवे ने लगभग 1,20,00,000 रुपए का दिया रिफंड। यात्रियों को रिफंड दिया जा रहा है, टिकट कैंसिल की जा रही हैं। शंभू बॉर्डर पर बनेगा पक्का मंच। पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन 27वें दिन में प्रवेश कर गया। एक और किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं 23 दिन से रेलवे ट्रैक पर भी डटे हुए हैं।